बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ पाया। मुकेश जी का, मियान जी का क्वेश्चन था कि रस्टिंग बहुत आ रही है, उसको कंट्रोल कैसे करें। ये बहुत पहले कंट्रोल होती है, अब ये कंट्रोल नहीं होती है। अगर अभी भी आपको कंट्रोल करनी है तो आपको केमिकल मिक्सिंग से बचना पड़ेगा। ऐसे केमिकल जो कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, उसको स्प्रे से आपको बचना पड़ेगा। मैक्सिमम रस्टिंग की प्रॉब्लम अक्षय नेगी जी का है, आदित्य वर्मा आदि का है, तो इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूं। आशु ठाकुर जी, सॉइल में पोटाश की एप्लीकेशन, मुझे नहीं लगता आशु ठाकुर जी अभी इतनी जरूरत है। अभी खास तौर पे अगर आप लोग डालना ही चाहते हैं तो सेब तोड़ने से लगभग, अगर आप एसओपी डालना चाहते हैं तो लगभग एक महीने 25 एक दिन पहले आप डाल सकते हैं। अगर आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहते हैं तो लगभग आपको 40 से 45 दिन पहले, आपको सेब तोड़ने से पहले आप डाल सकते हैं पोटाश। वैसे सुपर और पोटाश एक्सेस है हम सभी की सॉइल में, एक बार जांच कर ले और चेक कर ले कि कितनी है। खास तौर पर ऐसे लोग जिनकी नेट्स लगी है वहां माइट बहुत ज्यादा आती है और वुलिया पलफी बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर अंदर और ज्यादा क्रिएट करता है, लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको एसओ डाल सकते हैं। अभी बात आई कि 8000 फीट पे, तो अभी आप इंतजार करिए, लगभग वॉलनेट और छोटा और बड़े वॉलनेट के आसपास आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इंसेक्टिसाइड को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड, ये खुद भी इंसेक्टिसाइड है, ये दम घोट के मारता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वुलियापल एफिड लगा, बिल्कुल वुलियापल एफिड लगा, तो अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे आप इसको स्पॉट स्प्रे से करें, रोगर क्लोरोफोरिफॉस थायोमेथोक्सोन जो भी आपके साथ केमिकल मिलता है, तो पिट्ठू मशीन में मिला के जहां दिख रहा है आप वहीं पर उसकी स्प्रे कीजिए। और हफ्ते के बाद फिर से बगीचे में घूमिए, फिर से वही सब प्रोसीजर अपनाइए, हफ्ते के बाद फिर घूमिए। अगर छोटा मोटा होगा तो ये ऐसे ही कंट्रोल होगा, हम भी ऐसे कंट्रोल करते हैं। अभी शेख कंवर जी का क्वेश्चन है कि ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास कैसे बनाए। ट्राइकोडर्म और सोडोमोनास पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसको आप एक एक लीटर लेके या एक एक किलो लेके गुड़ और बेसन के साथ, इसका आप 3-4 दिन में कल्चर तैयार हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अब जो नेचुरल फार्मिंग आ गई है जिसमें हम जीवामृत बनाते हैं, गंजीवामृत, जो ये सारी चीजें हैं, आप इसको जरूर इसकी बुकलेट ले और इसको बनाने की विधि ले, ये कहीं ना कहीं आपके रूट रॉट कॉलर रॉट सबके लिए कामयाब होगा। बहुत जल्द नेचुरल फार्मिंग पे भी वीडियो बनाने की ओर हम एक सोच प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको बेहतर रिजल्ट के साथ आपको हम दिखाएंगे। इवन मैं खुद भी कर रहा हूं और काफी बेहतर रिजल्ट अभी तक मुझे मिल रहे हैं, वो मैं आने वाले समय में आपसे शेयर करूंगा।